सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चन्नी सरकार का एक महीना पूरा हो चुका है और ये एक महीना कैसा रहा मापदंडों पर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अशोक सरीन बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका, और के सहगल कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है सहगल साहब आपका। सहगल साहब आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले परिवर्तन हुआ, एक महीना हो चुका है, उस परिवर्तन को क्या संतुष्टि का जो मापदंड है इस सरकार के प्रति, क्या पार्टी में भी वो महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपके माध्यम से समुची कांग्रेस लीडरशिप को और वर्कर साहबान को बधाई देता हूँ एक महीने की, और परमात्मा का शुक्राना करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी पार्टी चल रही है। दूसरी बात, आपने परिवर्तन की बात की है, वो तो सारा पंजाब देख रहा है और पंजाब स्टेट को इस टाइम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जिस हिसाब से हमारी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, फर्स्ट डे से इन्होंने 32,000 हाउस दिए और 300 इलेक्ट्रिक जो यूनिट है वो माफ किए, इलेक्ट्रिक बिल माफ किया, वाटर सीवरेज बिल माफ किया। अमित शाह जी से जो 50 किलोमीटर वाला एरिया है उसके संबंध में बात की, और जो रिसेंटली हुआ है जैसे बिलों का, वाटर सीवरेज का, हर वर्ग को एक सहूलत मिली है, जिससे जो रुके काम थे वो लोगों को दिखने लग गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और हमारा अभी टाइम पड़ा है, और जो इलेक्शन एजेंडा है या जो हमारे पार्टी के काम है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं रणजीत सिंह चन्नी, एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आप ये इतिहास मानो, हिस्ट्री होगी कि रात 2-2 बजे तक एक चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, अगर कोई 1 बजे उसको घर तो रात 1 बजे वो बाहर निकल के लोगों की बात सुनी है और मसलों का हल किया है। ये कांग्रेस पार्टी है जो सब धर्मों का सत्कार करती है, और हर एक वर्कर या कोई स्टेट वासी कोई भी हो, किसी से वितरा नहीं है हमारा, हम सब लोगों के काम कर रहे हैं। सरीन साहब, सहगल साहब कह रहे हैं कि इस एक महीने में जनता के हित में तमाम कार्य किए गए हैं और पूरा देश देख रहा है कि क्या काम किया है पिछले एक महीने में जो नई चन्नी सरकार बनी है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं ये कोरा झूठ सरेआम टीवी पर बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि जनता खुश है, इनके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी ही खुश नहीं है। वो पहले 5-18 के कार्यक्रम बता के अमरिंदर जी को उतरवाया, उसके बाद 5 खुद बताया, अब 13 उन्होंने, अब तो कल इनके मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूँ, सिद्धू साहब आप 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है। और जहां तक इन्होंने कारगुजारी की बात करी है, अपना रेणु जी हर रोज अखबार में आ रहा है कि नशे से नौजवान मर रहा है, हर रोज अखबार में आ रहा है कि किसान कर्जे से मर रहा है, और जहां तक इन्होंने बिजली के बिलों के जो वाही वाही लूटने की बात करना चाह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आज जग जाहिर करना चाहता हूं कि उद्योगपतियों पर बोझ डालना शुरू कर दिया इस सरकार ने। 322-350 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ा दी, जिनका 45 किलो वार था उनको 14,500 रुपए इस महीने बिल में लग के आ गया। उद्योगपतियों को दबाने का काम शुरू कर दिया इस सरकार ने। शहरियों को सस्ती बिजली देनी थी वो सस्ती बिजली नहीं दे पाए, कानून व्यवस्था ठीक करनी थी पंजाब की वो ठीक कर नहीं पाए, और जो चन्नी जी है वो तो मैं समझता हूँ एक रबर स्टैंप सीएम बना दिया इन्होंने। उन्हें उन्होंने कोई भी निर्णय लेना है तो दिल्ली जाना पड़ता है, पिछले 30 दिन में वो 13-15 बार दिल्ली जाके आए हैं, ऑफिशियल टूर पे नहीं गए, कभी राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं, कभी सोनिया गांधी जी से मिलने जाते हैं, और सरकारी सहूलतें जो है जिन जनता को मिलनी चाहिए थी, जिन इनको मुख्यमंत्री बनाया उनको भूलकर ये केंद्र, ये सरकार जो है कांग्रेस सरकार, वो केंद्र के नेताओं को खुश करने में लगी है। हेलीकॉप्टर पर हरीश रावत जी घूम रहे हैं पंजाब सरकार के। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार पूर्ण रूप में फेल हो चुकी सरकार है, और जो इनका समय एक महीने का, जो इन्होंने एक और इन्होंने पंजाब के अंदर जो चुनावी हथकंडा अपनाया दलित फेस को मुख्यमंत्री बनाने का, क्यों नहीं बोलते कि 2022 में अगला कैप्टन हमारा चन्नी होगा? क्योंकि ये जानते हैं कि जो हमने बोला है वो हम कर नहीं पाएंगे, लोगों को संतुष्ट कर नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से
सरीन साहब, सरीन साहब कह रहे हैं कि आपने सशक्त मुख्यमंत्री नहीं बनाया जिसको पूरा देश देख रहा है, ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको पूरा देश देख रहा है, जो हर तीसरे दिन दिल्ली का दौरा करते हैं, रबर स्टैंप है। अरे इनको यही नहीं मालूम कि दिल्ली किस लिए जा रहे हैं। अगर वो पीएम से पंजाब के स्टेट के लिए रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं, या अमित शाह जी ने जो फैसला खोप दिया 50 किलोमीटर का लिए, उसके संबंध में जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान हमारा दिल्ली में है, जो पंजाब का आप हालात बने हैं वो किस सरकार ने बनाए हैं? पिछले 11 महीने से सरकार, जो फार्मर है वो सर्कल के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार किसी फार्मर की डेथ हुई उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हर एक इंसान को जो पंजाब में रहता है उसको पूरी सहूलत दे रहे, ये दिल की बात करते हैं। हमारे सीएम साहब बता रहे हैं कि पंजाब में कोई भी इन्वेस्टर है हम उसको वेलकम करते हैं, हर प्रकार की सहूलत दे रहे हैं। इनकी बीजेपी सरकार ने अभी ये बोल रहे हैं कि इनका चीन देश नंबर स्टैंप है, इनको यही नहीं मालूम कि आप पंजाब की 117 कंस्टिट्यूंसी है, ये एमएलए के कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर कर पाए आज तक, इनके पास ना कुछ सीएम फेस है, ये क्या करना चाहते हैं? ये पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू कराना चाहते हैं और इनकी कोई मंशा नहीं है। बीजेपी के ये हालात है कि सिर्फ वन मैन शो है। इन्होंने अपने लीडर, इस समय था सुषमा स्वराज जी पंजाब में आते थे, अर्चन बल्ली जी आते थे, खुराना साहब आते थे, इन्होंने अडवाणी जी को, मुरली जोशी जी को, अब इनकी पार्टी का मुकुल जोशी जो पंजाब में लोकल पार्टी मंत्री थे, वो सुखबीर बाजवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैगल साहब लौटेंगे आपके पास। बाजवा साहब बहुत स्वागत है आपका, परिचर्चा में भले ही आप देर से शामिल हुए लेकिन लगभग पूरी बात आपने सुनी। हम आपसे भी ये प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे कि पिछला जो एक महीना रहा है चन्नी सरकार का, आपके नजरिए से कैसा रहा? अशोक सरीन जी कह रहे हैं रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आलाकमान के कहने पर कर रहे हैं, खुद का कोई डिसीजन नहीं है। सैगल साहब कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी कर्मठता को पूरा देश देख रहा है, आपके नजरिए से आप कैसे देख पा रहे हैं? ये बेसिकली इसमें जो आप पूरे 30 दिन हो गए हैं जो सरकार बनी, इसको मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर अपना चन्नी देश में आगे आने के बाद, लेकिन अभी भी इनमें जो अभी अंतरकला जो थी आपस में विवाद था वो अभी जारी है, क्योंकि तो मुख्यमंत्री चन्नी के बनने के बाद ये सोचा था कि जो कांग्रेस में जो अंतरकला वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने जो आए दिन ट्वीट कर रहे हैं या आए दिन शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने जो अभी सोनिया गांधी को लेटर भी लिखा है जो आखिर में लिखा था, उसमें आगे साफ स्पष्ट है ये नवजोत सिद्धू का जो है चन्नी चन्नी के साथ 37 का आंकड़ा अभी चल रहा है। अभी उनमें जो अगी अगर क्योंकि चन्नी भी तभी जबान में भी उन्होंने भी आखिरकार कहना पड़ा, जो लास्ट अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की मीटिंग अपना कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये कहना पड़ा कि उनके ऊपर भी कोई हाईकमान है, क्योंकि नवजोत सिद्धू बार बार अगर कोई सवाल उठा रहे हैं, उसको सवाल उठाने के बाद लग रहा है कि पार्टी कांग्रेस जिस तरीके से चन्नी चलाना चाहते हैं उस तरीके से वो सिद्धू को मेरे ख्याल से जैसे लग रहा हजम नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं, लेकिन हाईकमान ने भी लगता है उसने स्पष्ट कर दिया है कि चन्नी जो मुख्यमंत्री अब भी हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में। सैगल साहब जिन बातों का जिक्र सरीन साहब कह रहे थे, लगभग सुखबीर बाजवा जी भी वही बात कह रहे हैं, और ये देखने को भी मिला है कि एक जो बड़ा हर्डल या एक जो बड़ा ट्विस्ट आया है वो चन्नी साहब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के अंदर ही आ गया, जब पार्टी से पद को छोड़ना पड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, एक बड़ा ड्रामा हुआ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल को एक महीना हो चुका है, और इस एक महीने में क्या उतार चढ़ाव आए हैं और क्या जनता की अपेक्षाओं पर ये सरकार खरी उतरी है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सैगल साहब सवाल मेरा आपसे था, बाजवा साहब भी यही कह रहे थे और सरीन साहब भी यही कह रहे हैं कि जो हर्डल्स आए हैं उनका जिक्र तो आपने किया नहीं, क्योंकि एक बड़ा ट्विस्ट तो तभी आया जब चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद कह लें या कुछ ही दिनों के बाद की अगर आप बात कर लें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, मतभेद अभी भी जारी है, अभी भी चीजें स्मूथली नहीं चल रही हैं कांग्रेस में? ऐसी कोई बात नहीं है, देखो पिछले आप देख रहे हो कि कल भी मीटिंग थी और सिद्धू साहब जो है प्रधानगी के उसके ऊपर पूरा पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो चैनल के माध्यम से नहीं बताई जा सकती, ऐसे कुछ काम है। देखो हमारी पार्टी जो काम है वो पंजाब के हित के लिए है और जो एजेंडा है वो पूरा लागू हो रहा है, इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है कि गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में वो नहीं हो सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही है, हमारे सीएम यही है और पार्टी हाईकमांड की हदायत से जो पंजाब के मसले हैं वो सब हल होंगे, और साथ में जो आने वाला फ्यूचर है हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले फ्यूचर की प्लान कर रही है,
पूरे सिद्धू साहब हमारी पार्टी के साथ हैं, वो सीनियर हैं, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखो कि एक चीफ मिनिस्टर जो 18-18 घंटे काम कर रहा है, आप हिंदुस्तान की किसी स्टेट में देख लो कि 18 घंटे कोई सेम काम कर रहा है। बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिन स्टेट में आप बीजेपी की बात जो है कि दिल्ली में तो अपनी सरकार नहीं बना सके, सेंटर में उनकी सरकार तो पार्टी दे रही है ना, उनके पास अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा तो आपकी पार्टी दे रही है। बीजेपी तो यही कह रही है कि जब आपस में ही सरकार के लोगों में समन्वय नहीं है, यहाँ से लेकर दिल्ली की दौड़ खत्म नहीं हो रही है, तो पंजाब के विकास कार्यों की तरफ ध्यान कब जाएगा? आप विकास हो रहा है, आप देखिए रोज कुछ ना कुछ ग्रांट अनाउंस हो रही है, रोज कुछ ना कुछ जो नए प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहे हैं, डेली मीटिंग हो रही है। और यहाँ तक कि देखो पंजाब को डिस्टर्ब करने की बात है, अभी इन्होंने पंजाब का जो एटीट्यूड है वो चेंज करने की कोशिश की है कि 50 किलोमीटर वाला बॉर्डर एरिया इन्होंने बीच ले लिया, आधा पंजाब तो ये रोक के खड़ गए। कभी इनने सेंटर ने जो देखो पीएम होते हैं वो भी एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पीएम का मतलब है कि जितनी स्टेटें हैं वो सब उनकी है, उन स्टेट को वो सपोर्ट करें। वो तो इस आज जो हालात बनाए हैं सेंटर सरकार ने, वो कांग्रेस पार्टी को पंजाब स्टेट को चलने नहीं दे रही। ठीक है सरीन साहब, जिन चेंजेस की बात सहगल साहब कह रहे हैं वो चेंजेस क्या आपको भी नजर आ रहे हैं? देखो मेरे से पहले इन्होंने बात करी दिल्ली की, मैं बाद में जवाब दूंगा। दिल्ली में शून्य कांग्रेस, बिहार में शून्य कांग्रेस, बंगाल में शून्य कांग्रेस, ये कांग्रेस और बीजेपी का बात करते हैं। और दूसरी बात ये कर रहे थे कि किसानों की, मैंने कह देना चाहता हूँ किसानों के लिए क्या करा इन्होंने, ये लखीमपुर से इनके मुख्यमंत्री चले गए, चलो दुखदाई घटना थी, पंजाब का एक दलित मजदूर मरा, क्या तरन तारण में उसके परिवार के पास गए, उसको क्या दिया, नौकरी दी, 45 लाख दिया, कुछ दिया? गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ चल रही है कांग्रेस पार्टी। आज मैं आपके माध्यम से इनको ये भी बताना चाहता हूँ सहगल साहब को कि देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर रेप के मामले कहीं हैं तो राजस्थान में है, पंजाब के वहां नहीं जाते इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री, पंजाब के अंदर दलितों के ऊपर जो तशद्दद की जा रही है सबसे ज्यादा की जा, दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, दलित बेटियों का बलात्कार करके मार दिया जा रहा है, तब इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके कांग्रेस के केंद्र के नेता वो नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इनके नेता कहते थे शराब माफिया, रेत माफिया, केबल माफिया, कहां गए? जो माफिया थे वो तो इनके मंत्री बन गए। इनके जो सिद्धू साहब ये कह रहे थे कि सिद्धू साहब की कल मीटिंग हुई, आपका जवाब फाइनल कमेंट होगा। और साथ ही साथ आपसे हम ये भी एक छोटा सा सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि जो वक्त अब कम रह गया है उसमें पार्टी की रणनीति आगे क्या होगी जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाने की? बिल्कुल मैं आपके माध्यम से रेणुका जी, आपके माध्यम से पंजाब स्टेट के लोगों को और पंजाब स्टेट का जो मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनको सिर्फ बीजेपी दिखती है। जिस स्टेट में 117 सीटों के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, इनके पास चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो एजेंडा है वो भी पूरा करेगी। और फ्यूचर के जो हालात हैं उन हालातों को ऐसा लेके चलेगी कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का मैसेज आएगा, ये बीजेपी का जो समय है। अभी आप देखो कि गवर्नर साहब के पास आरएसएस के इनके मुखी आए थे, उनका एजेंडा क्लियर है, उसके बाद 50 किलोमीटर वाला इन्होंने लागू करवा दिया, ये प्री प्लान है। ठीक है सर, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए। अशोक सरीन साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर न सिर्फ पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है बल्कि इस वक्त पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है या जो मतभेद है उससे जूझना भी एक बड़ी चुनौती है। अभी सिर्फ एक महीना बीता है, जो वाला वक्त है और भी ज्यादा कठिन होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में पंजाब की जनता तक विकास कार्य पहुंचे और पार्टी और संगठन में सब कुछ सरलता से चलता रहे, इसको देखना भी मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।